नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कमिश्नरेट आगरा में रविवार को पुलिस ने जुआ, सट्टा और अवैध खनन के एवं साथ में ही नशे की तस्करी और गौकसी में पूर्व में जेल गए आरोपियों को थाने बुलाया गया। 3994 लोगों को कसम खिलाई गई कि वे भविष्य में किसी अपराध में लिप्त नहीं रहेंगे। पुलिस ने सभी को हिदायत भी दी। बताया गया है कि उनका रिकॉर्ड पुलिस के पास है, पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुलाया इसलिए गया है ताकि जान लें कि पुलिस उन पर नज़र रखी हुई है। पुलिस ने 2580 लोगों को पाबंद भी किया है। बताया जाता है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक कमिश्नरेट के सिटी पूर्व और पश्चिमी जोन में अभियान चलाया गया। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ने तीनों डीसीपी को निर्देश दिए थे कि अपने अपने जोन में अभियान चलाएं। श्रावण मास शुरू हो चुका है, कोकसी की शिकायत मिल गई तो थाना प्रभारी की खैर नहीं। पूर्व में जो भी जेल गए हैं उन्हें बता दिया जाए, सीधे रास्ते चलें, अपराध से तौबा कर लें। अपराध नहीं करेंगे तो पुलिस भी परेशान नहीं करेगी, अपराध में लिप्त हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने इसी अंदाज में अभियान चलाया है और ये आप सभी जनपद आगरा के थानों की तस्वीरें देख रहे हैं। थाना मलपुरा के साथ साथ इरादत नगर सहित पूरे जनपद आगरा के थानों की आप तस्वीरें देख रहे हैं और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज।